खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं घर लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार हो रहे हैं। कई जगहों पर सड़क हादसे में कई मजदूरों की मौत हुई है। तो वहीं आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी वो यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां बस के कुचलने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और ये तस्वीर आपके सामने है। तो वहीं कई मजदूर घायल भी हो गए हैं, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां मजदूरों को ले जा रही बस और कंटेनर में भीषण टक्कर हो गई, जिस दौरान 8 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं 55 मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। गुना में मरने वाले सभी मजदूर यूपी के बताए जा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा घायल हो गए हैं। ये सभी मजदूर मुजफ्फरपुर से कटिहार की ओर जा रहे थे। ये लोग मुंबई से अपने घरों को लौट रहे थे। तो एक के बाद एक 3 जगह ऐसे जहां से मजदूरों की मौत की खबर सामने आई, पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार। अब देखें कि किस तरीके से मजदूरों की मौत लगातार हो रही है। हर दिन मजदूरों की मौत की खबर से अब बाकी के मजदूरों के बीच सनसनी फैल गई है। तो मुजफ्फरनगर में देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पंजाब से अपने घर बिहार का सफर पैदल ही तय कर रहे मजदूरों को तेज गति से आ रही एक रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। दरअसल मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना स्थित सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे का है, जहां पंजाब से बिहार अपने घर पैदल लौट रहे एक दर्जन मजदूरों को बेकाबू रोडवेज बस ने कुचल दिया। सड़क हादसा होते ही चिकपुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 घायल मजदूर को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अन्य घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है, जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भी शुरू कर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए शरीर को भेज दिया है। तो मुजफ्फरनगर में बस ने मजदूरों को कुचल दिया है। हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे, आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रहेगा साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे, वो 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल ख़त्म हो गए और जो बाकी रह गए 6, उनकी संभावना कुछ ऐसी है। तो वहीं गुना के नजदीक एक भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत और करीब 55 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने की टक्कर से हुआ है। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर कंटेनर में सवार थे। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। अभी इतना पता चला है कि ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से लौट रहे थे।